नमस्कार एंड वेलकम टू टुजार्ज ऑटोमोबाइल्स। चलिए करते हैं शुरुआत आज के वीडियो की, जहां पे हम कंपेयर करने जा रहे हैं होंडा अमेज सीवीटी वीएक्स टॉप एंड को नेक्सॉन एक्सएमए के साथ और जानेंगे इनमें से कौन सी गाड़ी बेहतर साबित होगी। और ये मैं सवाल का आंसर कर रहा हूँ विपिन द्विवेदी साहब के लिए, जिन्होंने कमेंट करके मुझसे पूछा है कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी बेटर रहेगी। लेकिन आगे मूव करने से पहले मैं आपका सवाल पढ़ देता हूं ताकि आपको पता लग सके कि इनकी कंडीशंस क्या क्या है, कि विपिन किस तरह की गाड़ी चाहते हैं और उनके लिए कौन सी गाड़ी सुटेबल रहेगी। तो विपिन कमेंट करके कहते हैं, हाई बडी, आई एम कन्फ्यूज बिटवीन होंडा अमेज वी एक्स सी वी डी एंड नेक्सॉन एक्सएमए मॉडल, कुड यू प्लीज सजेस्ट विच इज बेटर बाय, बोथ ऑफ दीज कार्स आर फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट, अमेज इज ऑफरिंग टॉप एंड वाइल एक्सएमए इज ऑब्वियसली मिडल वेरियंट विद द सेम कॉस्ट, तो दोनों की कीमत करीब करीब बराबर सी है। डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू गो फॉर नेक्सॉन ओवर अमेज एज इट इज एन एस यू वी और आई शुड गो फॉर अमेज एज इट्स फुली लोडेड एंड हैज़ गॉट सी वी टी ट्रांसमिशन, इज ए एम टी कार अ बैड चॉइस ओवर सी वी टी और इट डजन मेक दैट डिफरेंस, प्लीज सजेस्ट। तो दोस्तों कंपेयर कर लेते हैं अमेज वी एक्स सी वी टी को नेक्सॉन एक्स एम ए के साथ। दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के अंदर कुछ खास बातें हैं, और नेक्सॉन के अंदर आपको मिड वेरिएंट मिल रहा है जिसकी प्राइस है 8.3 लाख रुपीस, वैसे ही अमेज वीएक्स सीवीटी के अंदर आपको 8.76 लाख रुपीस के अंदर टॉप एंड मिल जाता है। तो प्राइस कंपेरेबल है डेफिनेटली। दोनों का इंजन साइज ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ही 1200 सीसी के इंजन आ रहे हैं। पावर और टॉर्क आपको नेक्सॉन के अंदर ज़्यादा मिलती है, और मुझे लगता है इस गाड़ी के अंदर ज़रूरत भी, क्योंकि ये काफ़ी भारी है वजन में भी अमेज के कंपेरिजन में। माइलेज वाइज आपको अमेज में बेटर माइलेज मिलेगा, करीब 2 का माइलेज में फ़र्क दोनों के अंदर देखने को मिल जाएगा, 2 की MPL का। और व्हील बेस भी इनका दोनों का आपको थोड़ा सा आपको नेक्सॉन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे टर्निंग रेडियस की बात करो तो टर्निंग रेडियस आपको ज़्यादा मिलती है नेक्सॉन की 5.1 मीटर, तो ज़्यादा अच्छी जो अच्छी मानी जाती है वो कम टर्निंग रेडियस को अच्छा मानते हैं, तो अमेज में 4.7 मीटर की मिल जाएगी। 209 मिलीमीटर के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ नेक्सॉन इज अ क्लियर विनर अगर ऑफ रोडिंग जरा भी करनी है तो, और 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है अमेज के अंदर, तो वो भी डिसेंट है इस गाड़ी के हिसाब से। लेकिन एक SUV जो कि नेक्सॉन 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देती है उससे कंपेरेबल नहीं है। बूट स्पेस दोनों का ही अच्छा है, 350 लीटर का आपको नेक्सॉन में मिलता है और 420 लीटर का आपको अमेज के अंदर मिल जाता है। अब जैसा कि आपने सही कहा कि दोनों ही गाड़ियां अलग अलग सेगमेंट की हैं, इनको डायरेक्टली कंपेयर करना उतना आसान नहीं है। नेक्सॉन SUV होने की वजह से थोड़ी सी उसकी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो मिड वेरिएंट को टॉप नेक्सॉन के टॉप एंड वेरियंट अमेज के साथ, तो ऑब्वियसली कंपेरेबल हो गई है प्राइसेस। अब जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं विड्थ भी नेक्सॉन की काफ़ी ज़्यादा है, तो नेक्सॉन को एडवांटेज मिलेगा कि रियर पैसेंजर्स का कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब आते हैं ट्रांसमिशन की बात करने में, CVT मिलता है आपको अमेज में और AMT मिलता है आपको नेक्सॉन में। दोनों की रेस्पॉन्सिवनेस की बात करें, द क्लियर विनर विल बी आपकी अमेज, क्योंकि CVT का रेस्पॉन्सिवनेस इसमें नेक्सॉन की AMT से ज़्यादा है। फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप नेक्सॉन AMT भी चला के देख लीजिए, और साइड बाय साइड आजकल तो डीलरशिप वाले बहुत सपोर्टिव हो गए हैं, आपको उसी डीलरशिप पे आप चाहें तो एक अमेज भी बुलवा लीजिए। आप दोनों गाड़ियां जब चला के देखेंगे आपको एक्चुअल फ़र्क पड़ जाएगा, दिख जाएगा। अगर आपको लगता है कोई फ़र्क नहीं महसूस कर पा रहे हैं तो आप AMT पे जा सकते हैं नेक्सॉन वाले, लेकिन अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा ढंग से टेस्ट करेंगे आप पाएंगे कि CVT इज़ मोर रिफाइंड देन AMT, तो आपको अमेज ज़्यादा रिफाइंड लगेगी, ज़्यादा स्मूथ लगेगी अगर आप कंपेयर करेंगे उसको नेक्सॉन के साथ। आपको डेफिनेटली कुछ आकर्षक फीचर मिल रहे हैं अमेज के टॉप एंड में जो कि मिसिंग रहेंगे नेक्सॉन के अंदर, क्योंकि अगर आप वो जो कहते हैं कंफर्ट कन्वीनियंस के फीचर्स या फिर एस्थेटिक ब्यूटी वाले फीचर्स, वो आपको सारे अमेज VX के अंदर एडिशनल मिल जाएंगे क्योंकि वो टॉप एंड है और नेक्सॉन का आप मिड वेरिएंट पे जा रहे हैं। तो आप ओवरऑल कैसे कर सकते हो चुनाव कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी? दोस्त ओवरऑल चुनाव करने के लिए मैं एक सिंपल सी गाइडलाइन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, किस बेसिस पे आप तय कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी। अगर आपको चाहिए सेफ्टी, मजबूती, गाड़ी कहीं पे अड़े नहीं, कितनी भी ऊंचाई से निकल जाए, नेक्सॉन इज़ अ क्लियर विनर, क्योंकि उसके अंदर 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सेफ है अमेज से। अगर कल को अमेज और नेक्सॉन की टक्कर हो जाती है तो अमेज सब कुछ नहीं बचेगा, नेक्सॉन पूरी साउथ रहेगी। तो ये एक सेफ्टी का फीचर है और एक फील है कि यार एक ऊंची बड़ी गाड़ी चला रहे हो दमदार, ये नेक्सॉन के पक्ष में जाता है। लेकिन अगर आपको ये फीलिंग ऐसा नहीं चाहिए कि यार मुझे कोई थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ स्टांस चाहिए गाड़ी का, वो आपके लिए बहुत मैटर नहीं करता है।
अमेज इन टर्म्स ऑफ लुक्स। अगर आप एक सिडान में जाना चाहते हैं, आपको काफ़ी अच्छी गाड़ी लगेगी, आपको इंजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जांचा परखा इंजन है, काम ढंग से कर रहा है, और इस सेगमेंट के हिसाब से एक अच्छी गाड़ी है, माइलेज अच्छा निकाल के दे रही थी, ट्रांसमिशन उसका अच्छा है। बेस्ड अपॉन द की फैक्टर्स दैट आई अलाइन, जो कि लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर करी है कि यार इसमें ये खूबी है, इसमें ये खूबी है, उसके बेसिस पे आप तय कीजिए कि आपके लिए दोनों गाड़ियों में से कौन सी बेटर रहेगी। अगर फिर भी मन में कोई डाउट रह जाता है, आप मुझसे फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा कि क्या कौन सी गाड़ी सही रहेगी। मैंने अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग लोगों को, किसी को नेक्सॉन सजेस्ट करी है, किसी को अमेज सजेस्ट करी है, खास करके उन लोगों को जो कहते हैं यार मेरे लिए मजबूती, फैमिली की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, नेक्सॉन इज अ क्लियर कट चॉइस। लेकिन कोई कहते हैं यार मुझे थोड़ा सा रिफाइनमेंट और चाहिए इंजन से, कि यार एकदम केबिन बिल्कुल साइलेंट हो और चलाने में ट्रांसमिशन थोड़ा स्मूथ चाहिए, तो वो थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है आपको अमेज के साइड पे। तो आप चुनिए दोनों गाड़ियों में से, और इस भी जो भाई मैंने बातें डिस्कस करी है, इसको दोबारा से देखिए एक बार, और फिर तय कीजिए कि आपको कौन सी गाड़ी बेहतर पसंद आ रही है, एंड देन टेक योर डिसीजन। टेक केयर, आज के वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ऐसे ही कमेंट करके मुझसे सवाल जवाब करते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय भारत।